हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 5 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 5/4/24 के लिए। तो देखिए, 5 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, 5 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, जो कि मैंने आप लोगों को 4 तारीख के लिए कल्याण के लिए OTC दिया था, देखिए मैंने आप लोगों को 4 तारीख के लिए कल्याण के लिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 1 और 6 दिया था, और देखिए 4 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 41 का जोड़ी गेम बना था। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग ओडिसी से यहाँ पर देखिए 1 क्लोज गेम में गेम पास देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग ओडिसी से यहाँ पर देखिए 1 क्लोज गेम में गेम सक्सेस हो गया है, ठीक है। तो इसी बात पे आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और अभी देखिए, आज के वीडियो पे हम 5 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, आज जो मैं आप लोगों को 5 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, लाइन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 5 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सबको यहाँ पर कट कर देते हैं और क्लियर कर लेते हैं, और डेट को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, जो कि आज हम 5 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए, लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए लाइन यहाँ पर 4 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 4 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकेंड लाइन देखेंगे, और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि 3 लाइन देखेंगे, 3 लाइन देखेंगे, 3 लाइन के हिसाब से यहाँ पर 5 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 4-5-5 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 41 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 470 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, और थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पर यहाँ पर देखिए 4-5-5 का अंक, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा। उसके बाद 5 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 10 का अंक बनेगा। उसके बाद फिर से 9 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 10 का अंक बनेगा। 10 से 0 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 1 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 3 का अंक बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर से देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 का अंक बनेगा, 1 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए, लाइन तो हो गया है, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए लाइन को और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 4-5-5 का अंक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 4 और 5 को जोड़ा, 9 का अंक बना। उसके बाद 5 और 5 को जोड़ा, 10 का अंक बना।
उसके बाद 9 और 1 को जोड़ा, 10 का अंक बना, 10 से 0 को लिखा, 1 रहने दिया, 1 और 1 को जोड़ा, 2 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया, फिर से 3 का अंक बना। उसके बाद देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ा, 4 का अंक बना, 1 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनाए। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 का अंक देखने को मिला है। तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेंगे। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 41 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे, 5 का अंक बनेगा। उसके बाद 4 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनेगा। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 का अंक देखने को मिला है। देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 41 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 4 और 1 को जोड़ा, 5 का अंक बना। उसके बाद 4 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 का अंक बनाए। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैं सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, मतलब कि फर्स्ट लाइन भी हो गया है, सेकंड लाइन भी हो गया है। तो अभी रह गया थर्ड लाइन, तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 4, 7, 0 का अंक। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 4 और 7 को जोड़ेंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे, 11 का अंक बनेगा, 11 से 1 को लिखेंगे, 1 रहने देंगे। उसके बाद 7 और 0 को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे, 8 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 9 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 1 और 9 को जोड़ेंगे, 10 का अंक बनेगा। उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 का अंक बनेगा, 1 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन तो हो गया है, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो इसलिए इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 4, 7, 0 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 4 और 7 को जोड़ा, 11 का अंक बना, 11 से 1 को लिखा, 1 रहने दिया। उसके बाद 7 और 1 को जोड़ा, 8 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 9 का अंक बना। उसके बाद फिर से 1 और 9 को जोड़ा, 10 का अंक बना। उसके बाद फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 1 को जोड़ा, 2 का अंक बना, 1 और 1 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 0 का अंक बनाए। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैं थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए मैं 2 और 0 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 5 और 3 का अंक देखने को मिला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 2 और 0 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है, ठीक है। मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, वो जाएगा फाइनल गेम में, ठीक है। अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए 4 और 2 का अंक देखने को मिला था। तो देखिए जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से देखने को मिला है, इसको यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 और 2 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 6 का अंक बनेगा। उसके बाद 4 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा।
अभी हम 6 और 2 को फिर से माइनस कर देंगे। 6 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए 4 कांग, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 5 और 3 कांग देखने को मिला था। तो देखिए जो सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से देखने को मिला है इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से माइनस कर देंगे। तो 5 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। तो सेकेंड लाइन में यहाँ पर देखिए 2 कांग, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 कांग देखने को मिला था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, 0 की जगह पर 1। तो देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से देखने को मिला है इसको भी यहाँ पर देखिए फिर से जोड़ देंगे। तो 2 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 कांग बनेगा। उसके बाद 2 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 कांग बनेगा। अभी हम 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा। तो थर्ड लाइन में यहाँ पर देखिए 4 कांग, लेकिन देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से ऑलरेडी पहले से 4 कांग देखने को मिला है। तो इसलिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 4 कांग देखने को मिला है इस 4 कांग को हम नहीं देखेंगे, 4 के फैमिली को देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए 4 का फैमिली 9 कांग, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से फर्स्ट लाइन में 4 कांग देखने को मिला है इसलिए, ठीक है। तो अभी देखिए हमें 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है। देखिए क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में 4 कांग, सेकेंड लाइन में 2 कांग और थर्ड लाइन में 9 कांग। तो देखिए 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 4 कांग देखने को मिला है और 4 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 9 कांग देखने को मिला है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 कांग देखने को मिला है, तो 2 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 कांग, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए 4 अंक निकल गया है तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सब को कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग ओडिसी में क्या देखने को मिला, देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया, अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 45 का जोड़ी, उसके बाद होगा 43 का जोड़ी, उसके बाद होगा 95 का जोड़ी, उसके बाद होगा 93 का जोड़ी, उसके बाद होगा 25 का जोड़ी, उसके बाद होगा 23 का जोड़ी, उसके बाद होगा 75 का जोड़ी और होगा 73 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 45 का जोड़ी, 43 का जोड़ी, 95 का जोड़ी, 93 का जोड़ी, 25 का जोड़ी, 23 का जोड़ी, 75 का जोड़ी, 73 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग। और देखिए जोड़ी को आप लोग नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मत देखिएगा, ठीक है। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 4 और 9 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 5 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।